हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। उत्क्रामन्तं यानी शरीर त्यागते हुए, स्थितं वापि स्थितं यानी शरीर में रहते हुए, वा अपि यानी अथवा, भुञ्जानम् भोग करते हुए, वा गुणान्वितम् वा यानी अथवा, गुण अन्वितम् यानी प्रकृति के गुणों के अधीन, उत्क्रामन्तम् स्थितम् वापि भुञ्जानम् वा गुणान्वितम्। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। विमूढ़ा यानी अज्ञानी लोग, नानुपश्यन्ति न अनुपश्यन्ति यानी नहीं देख सकते या नहीं जान पाते, पश्यन्ति देख सकते हैं, ज्ञान चक्षुषः ज्ञान रूपी नेत्रों वाले या विवेकशील ज्ञानी पुरुष, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, शरीर में रहकर प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर इंद्रियों के विषय को भोगना तथा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, यह सब आध्यात्मिक ज्ञान केवल आत्मा के विषय में जानने वाले विवेकी लोग ही जान पाते हैं। अज्ञानी या मूढ़ लोग इन सब बातों को देख या समझ नहीं पाते।